विगत दो वर्षों से कोरोना के चलते अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो छात्रों का। बिना स्कूल और बिना पढ़ाई के ही छात्रों का प्रमोशन हो रहा है, जिनका ज्ञान तो शून्य है पर अभिभावक फीस जमा कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा या उन्हें खुद भी नहीं पता। कोरोना से राहत मिलने के बाद कुछ कॉलेजों की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही है तो कुछ की ऑफलाइन भी शुरू हुई है, लेकिन कोरोना के चलते किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं रुका है और यही वजह है कि शासकीय कर्मचारियों की बैठकर खाने की आदत बढ़ चुकी है, जिसके चलते बैठकर खाने की आदत छोड़ना कर्मचारियों के लिए कठिन हो गया है। हम बात कर रहे हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के MSW विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की, जहाँ छात्र तो आते हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं पहुँचते। दूर दराज से किराया भाड़ा पेट्रोल जलाकर पहुँचने वाले छात्र क्लास के अंदर तक नहीं पहुँच पाते, परिसर में पहुंचकर गप्पे लड़ाते हैं और वापस चले जाते हैं। इनके भविष्य का क्या होगा? कंपटीशन के इस दौर में विभागों का ताला नहीं खुलता, इसकी सच्चाई जानने के लिए जब हमारी टीम विश्वविद्यालय पहुंची तो 1 बजे तक ताले लटक रहे थे। छात्रों ने बताया कि MSW विभाग की विभागाध्यक्ष अंजलि श्रीवास्तव के पास अन्य और विभागों का प्रभार है, विभागों के ताले नहीं खुलते जिसके चलते बाहर घूमते रहते हैं और वापस चले जाते हैं। हालांकि इस संबंध में अंजलि श्रीवास्तव का पक्ष नहीं मिल पाया, लेकिन रजिस्ट्रार ने बताया कि मुझे जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से जानकारी मिली है जिसकी जांच कराई जाएगी। शिक्षा के मंदिर और एक ही परिसर में लगने वाले विभागों के संबंध में रजिस्ट्रार को यह जानकारी ना हो यह तो संभव ही नहीं है, यह सब बहानेबाजी है। और सरकारी कर्मचारियों की आदत के अनुसार रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कि समझ से परे है। सबसे बड़ी दुखद की बात तो यह है कि छात्रों की हित की बात को लेकर जब कुलपति राजकुमार आचार्य से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं छात्रों और रजिस्ट्रार का क्या कहना है। डिपार्टमेंट बंद है, कब से बंद है? जब से मैं एडमिशन लिया हूँ तब से मैं रोज आता हूँ, इसी तरह हाल है, कभी कभार खुलता ही नहीं है, आते भी हैं हम लोग सब चले जाते हैं, बताते हैं ताला बंद जी, चले जी, किसी कोई रिस्पांस नहीं। टीचर्स क्या बोलते हैं? टीचर्स बोलते हैं कुछ वही रिस्पांस नहीं दे रहे हैं टीचर, वो आते टीचर ही नहीं आते, आते ही नहीं, डिपार्टमेंट डेली बंद रहता है, डेली इसी तरह ताला बंद। अनूप तिवारी, कौन सा डिपार्टमेंट है आज बंद? ये BA साइकोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ, 10 बजे यहाँ खुलने का टाइम है पर 12 बज गए अभी तक डिपार्टमेंट नहीं खुला, कोई नहीं आता है यहाँ, ये ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। कब से चल रहा है था? ये जब से मैं आ रहा हूँ तभी से ऐसा ही चल रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं द्वारा इशू दे रहा, इशू बता रहा है कि चाबी गुम गई है। अरे सर तो चाबी गुम गई तो चाबी बनवाइए, इतना बड़ा विश्वविद्यालय एक चाबी नहीं मिल सकती क्या? डिपार्टमेंट खोलना ही नहीं है इनको, खोलते ही नहीं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बंद रहता है। 20 रुपए का चाबी आती है, ज्यादा ज्यादा बता दे तो हम ही ताला तोड़ के फेंक दे, तो डिपार्टमेंट तो खोलना चाहिए। पढ़ाई नहीं सर, डिपार्टमेंट ही नहीं खुलता तो पढ़ाई कहाँ से होगी? शिकायत कुलपति से बात हुई क्या है को लेकर? बात नहीं हुई उनसे, किसी कोई रिस्पांस नहीं, नहीं। आप लोग आते हैं डेली लौट जाते हैं? हाँ आके डेली लौट जाते हैं, डिपार्टमेंट ही नहीं खुला रहता तो पढ़ाई क्या होगी, आते हैं और घर चले जाते हैं, जैसे ड्यूटी हो हमारी की आए और चले गए। आपका अंबुज पांडे, ये डिपार्टमेंट बंद है MSW का, ये कब से बंद की टाइमिंग क्या है खुलने की इसकी? विश्वविद्यालय में जो MSW और BSW दो विभाग चलते हैं इसमें, इनके खुलने का टाइमिंग 10:30 बजे है, विभाग लगभग अभी 1 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं अभी बंद है, लेकिन ये विश्वविद्यालय में पहला डिपार्टमेंट नहीं है ऐसे। इस विभाग के जो प्रोफेसर इंचार्ज हैं, इस विभाग के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अंजलि श्रीवास्तव जी, उनके अधीनस्थ एक और विभाग है, वो भी विभाग बंद है और वहाँ के छात्र ऐसे विश्वविद्यालय में अपने विभाग के बाहर बैठे हुए हैं। कुछ बात ऐसे हैं जो बच्चे बैठे हैं लेकिन टीचर्स मौजूद नहीं क्लास के अंदर। टीचर्स और कर्मचारी तो हैं बाहर, लेकिन जब विभाग की चाबी विभागाध्यक्ष के पास है, विभाग खुलेगा ही नहीं तो छात्र और कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते। बच्चे लौट गए बहुत सारे? बिल्कुल लौट गए। कितने समथिंग कितने बच्चे? 60 से 70 जितने विभाग में सारे बच्चे लौट गए। MSW बिल्कुल, BSW MSW दोनों विभागों के साथ छात्र लौट गए। शिकायत क्या करते हैं कहाँ पे कोई? हाँ कुछ छात्र गए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन शिकायत करने, लेकिन अभी विद्यार्थी इतने जागरूक नहीं है क्योंकि छात्रों को भी टीचर का कुछ डर होता है, इस हिसाब से उनको बता दिया गया फ़ोन में कि आप लोग परेशान न हो ताला खुलेगा, लेकिन अभी तक खुल नहीं पाया। खुलने का टाइमिंग क्या है? 10:30 बजे। क्या नाम है आपको? अंबुज पांडे। क्या नहीं अभी तो चूंकि आप मेरे से सूचना भी दे रहे हैं इस तरह की,
इस तरह की बात अभी संज्ञान इसके पहले मेरे पास संज्ञान में आई नहीं है, पर चूँकि आप बता रहे हैं तो मैं निश्चित ही कुलपति से भी बात करूँगा और इस बारे में विभागाध्यक्ष से भी बात करूँगा मैं। और क्लासेस तो होनी चाहिए और बच्चे अगर पढ़ने आते हैं तो बच्चे की क्लासेस ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में इसके पहले और डिपार्टमेंट्स का है तो मेरे को यहाँ सब वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षक हैं, सब अपनी विधिवत क्लासेस लेते हैं। इस तरह की बातें कभी संज्ञान में आई नहीं जब से मैं आया हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रार के रूप में। ये पहली बार आप मेरे को बता रहे हैं तो मैं इसके बारे में कुलपति से भी बात करूँगा और विभाग अध्यक्ष से भी उनके संज्ञान में भी लाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस विधिवत चलेंगे। लापरवाही बरती गई है, इन पर क्या कार्रवाई होगी? मैं पाए उसकी कुलपति से बात करके उस पर फिर आगे का देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। लेकिन जहाँ तक बच्चों की क्लासेस का सवाल है, उनकी क्लासेस विधिवत चलेंगे। भविष्य में शायद हो सकता है आपको शिकायत का मौका न मिले कि बच्चे आपसे शिकायत करें या किसी से भी शिकायत करें, क्योंकि क्लास होना और क्लास में पढ़ना बच्चों का एक राइट है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और तो क्लासेस तो होनी चाहिए, चाहे BSW हो, चाहे MSW हो, चाहे कोई भी किसी भी संस्था के कोई भी क्लास हो। थैंक यू। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।